हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस इग्नाइट के बारे में। तो अगर आप बीसीए पीएससी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट और आपने टीसीएस में सिलेक्शन लिया है स्मार्ट हायरिंग के थ्रू, या फिर आप सोच रहे हो फ्यूचर में टीसीएस में एग्जाम देने का और आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना दोस्तों। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि अगर आपने बीसीए और बीएससी ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप टीसीएस में ज्वाइनिंग कैसे ले सकते हो। तो टीसीएस में ज्वाइनिंग लेने के लिए जो एक एग्जाम है जिसका नाम है स्मार्ट हायरिंग, स्मार्ट हायरिंग का अगर आप एग्जाम दोगे तो टीसीएस में जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें आप एंटर हो सकते हो। अब यहाँ पे जो एग्जाम होता है उसमें क्या क्या होता है, उस एग्जाम में क्या होगा, आपका वर्बल इंग्लिश होगा, कोडिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। ओके दोस्तों, अब इस एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है तो टीसीएस में आपको जो प्रोफाइल मिलती है वो क्या मिलता है, टीसीएस इग्नाइट की मिलती है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल सा प्रोफाइल करा है, नॉर्मल सा एग्जाम दिया है और आप पास हो जाते हो, तो आपको यहाँ पे क्या है, टीसीएस इग्नाइट की प्रोफाइल नहीं मिलेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट हायरिंग से क्या क्या होगा। स्मार्ट हायरिंग एग्जाम आप दोगे अगर आपका सिलेक्शन हो गया है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करा है। अच्छा परफॉर्म करने का मतलब ये है कि आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है, तो आपको टीसीएस में टीसीएस इग्नाइट वाली प्रोफाइल मिलती है। लेकिन अगर आपकी जो कोडिंग स्किल्स एवरेज है और आपने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करा है यहाँ पे एग्जाम में, तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन आपको टीसीएस इग्नाइट की प्रोफाइल नहीं मिलती है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है टीसीएस इग्नाइट में और बिना जो टीसीएस इग्नाइट वाला है, दोनों की जो प्रोफाइल होगी, जो प्रोफाइल यहाँ पे बीएससी बीसीए करने के बाद वो ग्रेजुएट ट्रेनी की होती है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ प्रोफाइल जो है यहाँ पे जो इग्नाइट आ गई और एक बिना इग्नाइट वाली आ गई, उसमें क्या डिफरेंस है, उसी बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि टीसीएस इग्नाइट का क्या मतलब है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिसको टीसीएस इग्नाइट का मेल नहीं आया तो उनके लिए क्या होगा। आपका सिलेक्शन हो चुका है टीसीएस में लेकिन आपको टीसीएस इग्नाइट का मेल नहीं आया है, नॉर्मल सिलेक्शन का मेल आया है, तो यहाँ पे क्या सीन होगा आपका, आपका यहाँ पे क्या होगा कि आपकी ट्रेनिंग होगी 14 से लेकर 15 दिन की। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं टीसीएस में, आईएलपी बोलते हैं, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं। ये आपका वेरी करता है, 14 से 15 दिन भी हो सकता है या फिर 3 वीक्स की भी ट्रेनिंग हो सकती है। इन जो ट्रेनिंग होती है इसमें आपको एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी असाइन होती है, जैसे जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, .NET हो सकती है। ओके दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ट्रेनिंग वहां पे दी जा रही है। ये एग्जाम जो होगा, ये जो आपकी ट्रेनिंग होगी, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको जो एग्जिट एग्जाम होता है वो देना पड़ता है, जिस एग्जिट एग्जाम का क्या नाम होता है, पीआरए होता है। ठीक है, अगर आपने पीआरए को क्लियर कर दिया तो आप जो ये ट्रेनिंग है इससे क्या हो जाती है, एग्जिट हो जाती है और आपको प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये जो हम बात कर रही है उनके लिए बात कर रहे हैं जिनको इग्नाइट का मेल नहीं आया है, उनका डायरेक्ट सिंपल सिलेक्शन हुआ है स्मार्ट हायरिंग के थ्रू एग्जाम देकर। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, आईएलपी होगा, और आईएलपी के बाद आपको एग्जिट होने के लिए पीआरए देना पड़ता है। पीआरए आपने क्लियर कर दिया तो आपको प्रोजेक्ट के लिए जो फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं आरएमजी से, और उसके बाद आपका जो क्या है, प्रोजेक्ट एलोकेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी बात कि जिसने एग्जाम दिया था स्मार्ट हायरिंग का और उसने अच्छे से दिया था, मतलब उसने परफॉर्मेंस अच्छी करी थी, वहां पे जो उनको मेल आता है सिलेक्शन के साथ वो कौन सा मेल आता है, इग्नाइट मेल आता है। अब इग्नाइट मेल का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों, तो इग्नाइट मेल का मतलब यहाँ पे है कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो आईएलपी से थोड़ी अलग होगी। जो इग्नाइट के अंदर ट्रेनिंग होती है टीसीएस के अंदर, मैं वहां पे आपको बताता हूँ कि वो जो ट्रेनिंग है वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग आपको देते हैं। जो टीसीएस का एक सेंटर है चेन्नई में, वहां पे इग्नाइट के जो स्टूडेंट्स है जिनको मेल आता है वहां पे उनकी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, और वो जो ट्रेनिंग होती है वो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी पे होती है, और वहां पे जो मतलब सिखाया जाता है ना वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, आप ये सोच सकते हो। ओके दोस्तों, वहां पे जो होता है वो क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी है चूज करनी पड़ती है, एक वेब डेवलपमेंट हो सकता है या फिर एआईपी हो सकता है, वीआरपी हो सकता है, गेम डेवलपमेंट पे हो सकता है, वो डिपेंड करता है वहां पे आप जाते हो तो कौन सी टेक्नोलॉजी आपको असाइन होती है। तो सबसे पहला फायदा क्या है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रही है इग्नाइट वालों की वो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी पे होती है और बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाएगा टीसीएस के सेंटर पे। लेकिन जिनको इग्नाइट का मेल नहीं आया उनको ऐसी कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं होती, उनका सिंपल आईएलपी होता है और आईएलपी के बाद उनका क्या है, पीआरए हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इग्नाइट का मेल आया तो आपको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, जो टीसीएस का सेंटर है चेन्नई में, वहां पे जाके आपकी जो डिफरेंट डोमेन्स है वहां पे ट्रेनिंग होती है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया वेब डेवलपमेंट है, एआई है, वीआर है, गेम डेवलपमेंट है, इन सब टेक्नोलॉजी पे आपकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है।
अब दोस्तों ये जो इग्नाइट है, ये जो ट्रेनिंग होती है, मैं आपको बता देता हूं, दो बार होती है, एक फेब में होती है और एक क्या होती है, जुलाई में होती है। जुलाई में जिनको असाइन होता है इग्नाइट की ट्रेनिंग, उनकी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, लेकिन अगर आपको फेब में असाइन हुआ है इग्नाइट का, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी क्या होगी, 3 मंथ्स की होगी। थोड़ा सा डिसएडवांटेज है फरवरी में और जुलाई में, जुलाई में आपकी 6 मंथ की होती है, तो फेब में आपकी कितनी होगी, 3 मंथ्स की होगी। अब बारी बारी समझते जाना कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी एक जो ट्रेनिंग है वो अलग से होती है। दूसरा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, जो इग्नाइट वाले बच्चे होते हैं उनको एमसीए करने का मौका देती है टीसीएस, अपना जो पार्टनर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शास्त्रा यूनिवर्सिटी है। जिनको इग्नाइट का मेल नहीं आया है यहाँ पे, उनको एमसीए करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जिनको इग्नाइट का मेल आया है वो टीसीएस की जो पार्टनर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसे हम बोल रहे हैं शास्त्रा यूनिवर्सिटी, वहां से आपको एमसीए करने का मौका मिलेगा। तो ये सिर्फ इग्नाइट वालों को ही मिलता है। अब यहाँ पे जो पहले था 2019 से, अगर किसी ने ज्वाइनिंग ली है टीसीएस में इग्नाइट के थ्रू, तो उनकी जो ट्रेनिंग थी एमसीए में, जो कोर्स का ड्यूरेशन था वो कितने साल का था, 3 साल का था। लेकिन अब जो ट्रेनिंग होती है, मतलब जो एमसीए उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 2 साल का हो गया है। ओके दोस्तों, और ये जो टीसीएस की पार्टनर्ड यूनिवर्सिटी है शास्त्रा यूनिवर्सिटी, वहां से आप क्या करोगे, एमसीए करोगे। मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ, जो एमसीए यहाँ पे वो 15,000 पर सेमेस्टर की यहाँ पे फीस होती है टीसीएस के जो शास्त्रा यूनिवर्सिटी है। ओके दोस्तों, दूसरी बात यहाँ, तीसरी बात जो ये है यहाँ पे, कि जो आपकी जो ट्रेनिंग होगी 6 महीने की, जो इग्नाइट की जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उसमें हर हफ्ते आपका क्या होता है, एक टेस्ट होता है। टेस्ट में जो आपकी जो कोडिंग स्किल है बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक वीक में आपका एक टेस्ट लिया जाता है, और टेस्ट लेने से जो आपकी जो कोडिंग स्किल है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो ये कुछ फायदे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे लास्ट में मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फायदा बताता हूं, कि देखो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि स्पेशल ट्रेनिंग होगी, हर हफ्ते आपका क्या होगा, वहां पे एक टेस्ट होता है, जिससे आपकी कोडिंग स्किल काफी अच्छी हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स पे आप काम करते हो, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप बनाते हो यहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी आपको वहां पे सिखाई जाती है, आपको एमसीए करने का मौका दिया जाता है शास्त्रा यूनिवर्सिटी से। और ये जो इग्नाइट वाले बच्चे नहीं है, उनको ये सब चीजें नहीं मिलेगी, उनका सिंपल आईएलपी होगा, आईएलपी के बाद पीआरए, और पीआरए के बाद क्या होगा, प्रोजेक्ट एलोकेशन। ये जो इग्नाइट वाले बच्चे हैं, इनका आईएलपी नहीं, इनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, और इनका पीआरए भी नहीं होगा, इनका 6 महीने का एग्जाम, ये जो ट्रेनिंग हुई उसके बाद इनका क्या होता है, प्रोजेक्ट एलोकेशन स्टार्ट हो जाता है, इनको पीआरए नहीं देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, और जो टीसीएस के सेंटर है वो भी क्या है, बंद है, इसलिए बहुत सारे जो बच्चे इग्नाइट का मेल उनको आ रहा है, तो उनकी अभी ये ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, तो उनको भी क्या हो रहा है, आईएलपी घर से करना पड़ रहा है, जिसे हम वर्चुअल ऑनबोर्डिंग बोल रहे हैं टीसीएस में, और उसके बाद उनको पीआरए का एग्जाम देना पड़ रहा है। मतलब इस टाइम क्या हो रहा है कि जिनको इग्नाइट का मेल आ चुका है, या फिर जिनको इग्नाइट का मेल नहीं आया है, दोनों की आईएलपी हो रही है घर से, वर्चुअल ऑनबोर्डिंग हो रही है, और उनके बाद उनका क्या हो रहा है, पीआरए का एग्जाम लिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोविड फैला हुआ है हर जगह, आपको पता ही है, लॉकडाउन भी हो चुका है, जिसकी वजह से टीसीएस के सेंटर क्लोज है, वो उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर मान लिया कि सिचुएशन सही हुई, तो बाद में जो ट्रेनिंग होती है उनकी, जो 6 महीने की इग्नाइट वालों की जो ट्रेनिंग होती है टीसीएस सेंटर पे, वो स्टार्ट हो सकती है। ओके दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इग्नाइट का सबसे बड़ा फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा तो ये था कि आप एमसीए कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपकी एमसीए कंप्लीट हो जाती है, तो टीसीएस में आपको 1 लाख का क्या मिलता है, हाइक मिलता है। लेकिन जिनको इग्नाइट का मेल नहीं आ रहा है, जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग नहीं करी इग्नाइट वाली, उनको एक 1 लाख का हाइक नहीं मिलेगा, अगर वो बाहर से एमसीए कर लेते हैं। ये हाइक उन्हीं को मिलेगा जो टीसीएस की जो पार्टनर्ड यूनिवर्सिटी है, और उनके थ्रू कर रही है इग्नाइट के थ्रू। तो अगर आपकी एमसीए कंप्लीट हो जाती है, तो आपकी सैलरी में 1 लाख का क्या मिलता है, हाइक मिलता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है अगर आप इग्नाइट के थ्रू टीसीएस को ज्वाइन करते हो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी कि इग्नाइट और जिनके पास इग्नाइट का मेल नहीं है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।